स्वराशि हो तो गया का, जैसे जुपिटर है सिक्स और थर्ड लॉर्ड है तुला लग्न में, हाँ तुला में गुरु तीसरे स्थान में बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है क्यों, एक तो वो मरण कारक स्थान है उसका, मरण कारक स्थान में वो उसकी नेगेटिविटी को खत्म करता है, वहां पर जाता मर गया वो सिक्स की नेगेटिव चीजें खत्म हो गई, अब तीसरे का लॉर्ड स्वराशि है, यानी कि उसका नेगेटिविटी तो खत्म हो गई लेकिन उसका पराक्रम वही की वही रहा, पराक्रम कौन सा, सात्विक पराक्रम, यानी कि आपको लाइफ में किसी चीज को करने में बहुत मेहनत नहीं करनी होती जब गुरु तुला लग्न में तीसरे स्थान में होते हैं, करनी पड़ी क्या किसी चीज में बहुत मेहनत, तो चलती सब कुछ गोद में आई से दूर जनरली कर ही देता है, नहीं तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट या तो मेंटल डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करेगा नहीं तो फिर दूर ही रखता है, हाथ में बीमारी देता है, बड़ी दिक्कत जो है वो जुबान में बीमारी देता है। अच्छा, कम्युनिकेशन से दुश्मन बनाओगे आप, समझ रहे हो, उस पर कोई एस्पेक्ट आ गया, जैसे पूनम का केस के अंदर शनि का एस्पेक्ट है उस पर, जब किसी की फाइल निपटाएगी एक ही बार वो निपटा दे, पर नहीं फट जाएगा उस दिन से उसका, क्योंकि जब वो कॉन्फ्लिक्ट में गया, मतलब जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन, मतलब वो पन्ना पूरा ही फटेगा उस दिन। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ हाउस इज माय माइंड, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट मतलब की फिक्र बना देगा, राइट, देन माँ से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, अगर ये मैलिफिक ग्रह है तो माँ का चरित्र भी खराब कर सकता है कई बार, चरित्र मतलब की नेचर, मान लो चरित्र नहीं मान लो, फिर चूंकि ये अपने से ग्यारहवा है इसीलिए आप अपने मन की रिपु को जीत सकते हो, मतलब आपका कॉन्फ्लिक्ट का लॉर्ड गया अपने से माइंड में चला गया, लेकिन खुद से ग्यारहवा गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगा लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट खुद से ग्यारह है, वो कॉन्फ्लिक्ट फाइनली मेरा फायदा करके जाएगा, यानी कि मेरे दिमाग में जो विवाद आया, मेरा माँ से विवाद हो गया, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी के विवाद हो गया, सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस कैन क्रिएट लिटिगेशन इन द प्रॉपर्टी, सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ लिटिगेशन, इट इज इन द गोइंग, इट इज इफ इट इज गोइंग इन द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी कैन गिव लिटिगेशन इन द प्रॉपर्टी, सो पीपल हु हैव गॉट सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस कैन बी दे कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन टू लिटिगेशन रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी बट फाइनली दे विल विन। आप देखना बहुत सारे लोगों का छठे स्थान का लॉर्ड चौथे स्थान में है, वो बोलेंगे हाँ भैया वो घर की बहुत प्रॉपर्टी थी लेकिन चाचे ताऊ ने सब पे केस वेस कर रखे हैं और वो है करोड़ों की चल रही है कहानी, बट वो व्यक्ति जीत जाएगा क्योंकि वो अपने से ग्यारहवा है। फिर फोर्थ हाउस इज प्राइमरी एजुकेशन, सो योर एजुकेशन कैन सफर, मदर कैन ऑल्सो सफर, मदर को डिसीज हो सकती है या मदर के साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओवरऑल केंद्र में छठे आठवें और बारहवें स्थान के लॉर्ड को हम अच्छा नहीं मानते, जो भी लॉर्ड छठे आठवें बारहवें में से किसी भी केंद्र में जाएगा उसका किल करेगा, सो व्हेन सिक्स्थ लॉर्ड इज गोइंग इनटू द फोर्थ हाउस इट इज बेसिकली किलिंग माय हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस, राइट, एंड मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस ऑल्सो, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन माय कार, मेरे कार से एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे कार में कोई केस लग जाएगा, इट कैन गिव प्रॉब्लम इन माय प्रॉपर्टी, कि मेरे प्रॉपर्टी का ये चल रहा है, केस चल रहा है, फलाना चल रहा है, डिमका चल रहा है, दिन भर उसमें लगाऊं मैं, दूसरा मेरा हैप्पीनेस पे एक तरीके से ग्रहण लगा रहा है, ये लगा रहा है कि लगा रहा है, तुला के रिजल्ट कब देगा और वृषभ के कब रिजल्ट देगा ये डिपेंड करता है कि शुक्र पर प्रभाव क्या है, अगर शुक्र मैलिफिक है चार्ट में, मैलिफिक मतलब कि हमने बोला लग्नेश को छठे आठवें बारहवें का दोष नहीं लगता, कब नहीं लगता, जब वो बेनिफिक की तरह रोल कर रहा हो, उस पर कोई संगत खराब नहीं, अगर वो मैलिफिक है जैसे मान लो वृषभ लग्न फोर्थ हाउस वीनस विद सैटर्न राहु सिटिंग देयर, दैट मींस लग्नेश हिमसेल्फ इज क्रिएटिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, तो वो आदमी पर केस नहीं होगा प्रॉपर्टी का, वो खुद केस करता घूमेगा, दैट मींस दैट मैन हैज बिकम अ प्रॉब्लमेटिक मैन, अगर उस पर कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, एक आध इन्फ्लुएंस हो तो चलता है, कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, दैट मींस लग्नेश इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, इट विल गिव यू बिगेस्ट राजयोग, अगर वो वीनस है तो दिग्विजय शुक्र है वो, that is basically can give you income from hospital but more or less it can give you a hospital, sixth lord se sambandhit property hospital, hospital owner banayega wo aapko, aur aisa vyakti jaise sixth lord in the fourth house bank ka property lene ka bolo usko, kulki wali jo bank neelam karta hai wo acha chalega, but agar wahan par affliction hoga to khud ki neelam hogi, dhyan rakhna, agar affliction nahi hai सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, आप बोलो बैंक में जो कुड़की उड़की की प्रॉपर्टी लेते हैं वो पांच रुपए की चीज एक रुपए में लेके आएगा, दो रुपए में चार रुपए में बेच के मस्त पैसा कमाएगा, एफ्लिक्शन आएगा, देन खुद का ही प्रॉपर्टी में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है।